ओके, सो क्वेश्चन इज इफ ए माइनस 5.7 बी माइनस बी इज व्हाट, ये वाला क्वेश्चन है, हाँ सेकेंड पार्ट ना कि फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट या सेकेंड उत्कर्ष, फर्स्ट पार्ट दिस वन ना, इफ ए माइनस 2.1 बी 0 सी 4.b एंड डी 1.2 आर द वर्टाइसिस ऑफ ए पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, हेंस फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। चलिए ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हमें प्लॉट करना पड़ेगा। एक आपको पैरेललोग्राम दिया गया है, तो एक पैरेललोग्राम आप बना लीजिए। ये आपने एक पैरेललोग्राम बना लिया, ओके। इस पैरेललोग्राम का नाम दे दीजिए, पैरेललोग्राम का नाम क्या है, ए बी सी डी। अब इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं आपको, ए कितना दिया गया है, माइनस फाइव माइनस 2.1 सॉरी ए दिया गया है माइनस 2.1, बी कितना दिया गया आपको, माइनस 4.-5, ओके, माइनस 2.1 है ए, और बी दिया गया है सॉरी ए कॉमा ज़ीरो, बी दिया गया है ए कॉमा ज़ीरो, सी दिया गया है 4.b, और डी जो दिया गया है दैट इज डी इज इक्वल्स टू 1.2। क्वेश्चन ये है कि ये ए पता नहीं है ए क्या है, और यहाँ पे बी पता नहीं है बी क्या है, वो आपको पता लगाना है। तो एक प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की कि इसके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाईसेक्ट, क्या करते हैं, बाईसेक्ट, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट और ये पार्ट और ये पार्ट आपस में क्या होंगे, इक्वल। मतलब ये जो डायगोनल है, ये वाला डायगोनल इस वाले को आधे आधे में काटेगा, और ये वाला जो डायगोनल है इसको ये वाला डायगोनल हाफ हाफ में काटेगा। तो मतलब ये जो पॉइंट होगा ये इसका मिड पॉइंट होगा, और ये जो पॉइंट होगा ये इसका मिड पॉइंट होगा। बोलिए हाँ या ना। तो अपने पास क्या है मिड पॉइंट के लिए, अपन दोनों के मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। तो पहला है मिड पॉइंट ऑफ ए सी, निकाल लीजिए मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल ए सी, ए सी का मिड पॉइंट निकालिए। तो ए सी का मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो x कोऑर्डिनेट क्या है इसका, माइनस 2 प्लस सेकेंड क्या है 4/2, एंड नेक्स्ट y क्या है 1 + b/2। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 2 + 4 दैट इज इक्वल्स टू 2/2 एंड 1 + b/2। 2/2 कितना होता है 1, एंड हियर 1 + b/2 ये आ गया इसका मिड पॉइंट, किसका, AC का, किसका आ गया, AC का, ओके ये AC का मिड पॉइंट। अब निकाल लीजिए किसका मिड पॉइंट, DB का। क्वेश्चन में क्या पता करना है भाई, आपको आपको ये पता करना है A क्या है और B क्या है, ओके तो मिड पॉइंट ऑफ BD निकाल लीजिए। तो BD का मिड पॉइंट देखिए, BD के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1 और A, तो X के कोऑर्डिनेट क्या है, 1 इसके और A इसके, माने 1 + a/2 1 + a/2। अरे मिड पॉइंट के लिए कहाँ डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2, यही तो होता है मिड पॉइंट, हाँ या ना। 1 + a/2 एंड 2 + 0/2, तो ये हो गया 1 + a/2 कॉमा 2 + 0 2 2 + 0 2 2 + 2 कितना हो गया 1। अच्छा ये बताओ, ये वाला जो मिड पॉइंट होगा AC का और जो BD का मिड पॉइंट होगा वो एक ही पॉइंट पे आएंगे कि अलग अलग आएंगे, एक ही पॉइंट पे आएंगे, मतलब पोजीशन तो एक ही होगी। मतलब ये जो पार्ट है 1, ये 1 + a/2 के इक्वल होगा, और ये जो पार्ट है 1 + b/2 वो किसके इक्वल होगा, 1। समझ में आया कि नहीं आया, अरे भाई एक ही पॉइंट है ना, मतलब इसका मिड पॉइंट इक्वल टू इसका मिड पॉइंट, तो इसका मिड पॉइंट क्या आया है ये, और सेकेंड का मिड पॉइंट क्या आया है ये, मतलब ये मिड पॉइंट आपस में क्या होंगे, बराबर, हाँ या ना। यानी 1 किसके इक्वल, 1 + a/2 के, नहीं आया, 1 किसके इक्वल, 1 + a/2 के। तो 1 को 1 + a/2 के इक्वल दिखा दो, ओके 1 = 1 + a/2। अरे यार ये x पोजीशन है ना, तो दोनों की x पोजीशन तो सेम होगी। अब इसकी x पोजीशन ये आई है और इसकी x पोजीशन ये आई है,
तो दोनों को इक्वल दिखा दो, तो वन इक्वल टू वन प्लस ए अपॉन टू, टू वन जा, टू इक्वल टू वन प्लस ए, ए इक्वल टू टू माइनस वन, कितना हुआ? नहीं है सुनिए, वन इधर चला जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ए इक्वल्स टू कितना हो गया? वन। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट पोजीशन देखो, वन प्लस बी अपॉन टू किसके इक्वल होगा? ओके ओके, अगेन वन प्लस बी अपॉन टू इक्वल्स टू वन, वन प्लस बी इक्वल टू टू वन जा टू, सो बी इक्वल्स टू टू माइनस वन, आंसर कितना? वन। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? वन। तो हमारे पास पॉइंट आ चुके हैं, ए की वैल्यू आई है वन, तो दिस पॉइंट विल बी वन कॉमा ज़ीरो, वन कॉमा ज़ीरो, बी की वैल्यू आई है वन, तो बी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, सो दिस विल बी फोर कॉमा वन। अब आपको कह रहा है कि इसकी साइड्स निकालो, तो साइड्स तो मिड पॉइंट फॉर्म, सॉरी साइड्स तो डिस्टेंस फार्मूले से आप खुद निकालेंगे, नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि दो पॉइंट है आपके पास, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाइए और साइड निकाल लीजिए। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये वाला क्लियर नहीं हुआ? ओके ओके, ये देखो पहला जो डायगोनल निकला है, पहले डायगोनल के मिड पॉइंट की एक्स पोजीशन क्या है और दूसरे डायगोनल के मिड पॉइंट की एक्स पोजीशन? वन प्लस ए अपॉन टू। तो ये दोनों डायगोनल की मिड पॉइंट की एक्स पोजीशन सेम सेम होंगी कि अलग अलग? अरे अरे सेम यार, एक ही तो क्यों होंगी अलग? मिड पॉइंट तो एक ही है ना, तो ये कह दे कि मेरा मिड पॉइंट ये है, वो कहे मेरा मिड पॉइंट ये है, तो दोनों मिड पॉइंट तो एक ही जगह पे आ जाए, मतलब इसकी एक्स पोजीशन और इसकी एक्स पोजीशन एक ही हुई, तो दोनों को हम क्या कर दें? इक्वल नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, इसीलिए तो हमको निकालने को बोला गया, तो दोनों को इक्वल कर दिया, तो ये आ गया। क्लियर नॉट क्लियर? क्लियर। अगला, इसकी इस वाले डायगोनल की वाई पोजीशन और इस वाले डायगोनल की वाई पोजीशन दोनों सेम या अलग अलग? सेम ना, तो दोनों को इक्वल कर दो, तो आंसर बी की वैल्यू कितनी आ गई? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, चले आगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। और फर्स्ट पार्ट बताना है क्या इसका? देखिए अब हम कर रहे हैं, अभी जो हमने क्वेश्चन किया था किस चैप्टर का था? कोऑर्डिनेट का।